अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना से नाराज शहर में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने एक दिवसीय ब्लैक डे मनाया और काला बिल्ला लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साथ ही सरकार से सुरक्षा की मांग की है। जमशेदपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि डॉक्टरों के साथ आए दिन मारपीट की घटना होती है, जो दुखद है। देश भर में सभी चिकित्सक जो है सो जो कुछ दिन पूर्व कलकत्ता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स के साथ जो मारपीट हुई है, उसके विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग और सभी इंडोर जो है सो कहीं बाधित नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और कठोर से कठोर नियम बने कि चिकित्सकों के ऊपर जो मारपीट होता है बंद किया जाए। शहर के अधिवक्ता नाराज हैं और पुलिस के व्यवहार से उन्होंने एक दिवसीय पिन डाउन स्ट्राइक की घोषणा की है। मालूम हो कि गुरुवार को कोर्ट परिसर में बार काउंसिल के उपाध्यक्ष मोहम्मद कासिम के साथ मारपीट की घटना हुई थी। बाद में पुलिस ने जमानतीय धारा लगाकर दोषी को रिहा कर दिया, जिससे शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने बैठक करते हुए नाराजगी जताई। साथ ही शनिवार को पिन डाउन स्ट्राइक की घोषणा की है। पुलिस के जो व्यवहार है, पुलिस के जो व्यवहार है हमारे अधिवक्ताओं के साथ और उनकी संवेदनशीलता जो नहीं है, जो होना चाहिए, उसी के विरोध में हम लोग ये मीटिंग बुलाए थे। कल हमारे उपाध्यक्ष महोदय मोहम्मद कासिम को किसी क्लाइंट ने हमारे बार भवन में आकर के उनके साथ मारपीट की और जिसका मुकदमा करने के लिए पुलिस स्टेशन गए और उसका 323 का मुकदमा उन लोगों ने कर लिया पुलिस वालों ने जानबूझ करके, ये जानते हुए कि ये धारा जो है वो जमानत वाला है और लगा करके उसको पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया। अगर किसी पुलिस के साथ, उनके किसी कर्मचारी के साथ, उनके विभाग के किसी भी कांस्टेबल कोई भी ऑफिसर के साथ अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो क्या 323 का मुकदमा ही होगा कि उनको नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में चलान किया जाएगा। वहीं जिला अच्छू द्वारा मंत्री रामचंद्र सईस का जोरदार अभिनंदन किया गया। उन्होंने भी सबका आभार व्यक्त किया। चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिस खाली मंत्री पर रामचंद्र सईस ने शपथ ग्रहण किया। शहर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री पद ग्रहण करने के बाद शहर लौटे जुगसलाई के विधायक रामचंद्र सईस का जोरदार स्वागत हुआ। पहले वे कदमा स्थित शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण किया। झारखंड राज्य मंत्री परिषद के 11वें मंत्री बनने के बाद आजसू विधायक रामचंद्र सईस शहर लौटे, जहां समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वे सीधे कदमा उल्यान स्थित शहीद स्थल पर गए, जहां शहीद निर्मल महतो की समाधि पर उन्होंने माल्यार्पण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, उस पर शत प्रतिशत खरा उतरूंगा। निकले थे और जनता ने मुझे वर्ष 2009 में पहली बार और 2014 में दूसरी बार विधायक चुन करके जनता की सेवा करने के लिए मुझे फिर से विधानसभा भेजने का काम किया। आज मुझे बड़े स्तर पर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं जनता का सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और आगे भी करूँगा। साथ ही साथ आपका जो सवाल है, समय कम है कम ज़्यादा है, बात सही है। इसी कम समय में हम लोग अधिक से अधिक काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए जिला कांग्रेस द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष विजय खान के आवास में एक बैठक का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष विजय खान के एग्रीको स्थित आवास पर आयोजित बैठक में कई दिग्गज नेता नजर आए। बैठक में वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत प्रमुख रूप से मौजूद थे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेसियों ने सभी 81 सीटों और विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने और जनता से जुड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। अभी जो लोकसभा के परिणाम आए हैं,
अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, या जिसे कहा जाए कि परिणाम अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल रहा। और निश्चित रूप से जब अपेक्षित परिणाम नहीं हो तो उन चीज़ों के बारे चिंता नहीं, चिंतन करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। जे अगर आपके घर में आग लगी हो तो प्रयास होना चाहिए, पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम पहले आग को बुझाएं, किसने आग लगाई ये फैक्टर नहीं है। जन मुद्दों को लेके हम चलेंगे। आज भी संविधान में जहां हमारा विश्वास है, संविधान के लिए जो हम जिसे कहा जाए संवैधानिक संस्थाओं के लिए हम जो लड़ रहे हैं, राहुल जी हमारे जो लड़ रहे हैं उनके साथ हम जाएँ। और झारखंड में जिसे कहा जाए कांग्रेस की बहुत अच्छी, जिसे कहा जाए कि एक पोटेंशियल यहाँ बहुत है, उस पोटेंशियल को कैसे हम कल्टीवेट करें उसके बारे में एक रणनीति बन रही है। उनसे सारे लोगों से बातचीत हुई है और मैं ये जरूर कह सकता हूँ, हम चुनाव हम जरूर हारे हैं, जज्बा नहीं हारे हैं। सरायकेला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को बाइक चुराते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 5 बाइक्स बरामद हुए हैं। सरायकेला के SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि गुदड़ी बाजार के पास गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम ने छापामारी करते हुए 3 युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। उन्होंने बाइक चोरी में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सरायकेला थाना क्षेत्र से आज 5 मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों जो चोर हैं वो अंतर जिला चोर हैं। उनका कार्य क्षेत्र चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला रहता है। ये तीनों कांडरा के रहने वाले हैं, उसमें से एक शुभम कालिंदी वो सरायकेला के में अभी रह करके यहाँ से चोरी का काम करते हैं। पहले 2 मोटरसाइकिल की चोरी करते हुए पकड़ा है, उनके कन्फेशन पे पुनः 3 और मोटरसाइकिल पकड़ा है। टेल्को कार्रवाई चालकों की संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को लेकर झारखंड मजदूर संघ ने जोरदार आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष दुलाल भुया ने कहा कि कार्रवाई चालकों की मांग जायज़ है और फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है और उन्होंने अदालत पर पूरा भरोसा है। झारखंड मजदूर यूनियन ने लगातार कार्रवाई चालक के लिए हमेशा लड़ते रहा है। टेल्को प्रबंधक के साथ कार्रवाई चालक के समाधान के लिए कि झारखंड मजदूर यूनियन ने 2007 में ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा, हम लोग झारखंड मजदूर यूनियन ने इसका इंटरवेनर बने, तो इस मामला को हम लोग ने हाई कोर्ट में दिए हैं और आज न्यायालय में आज इसकी बहस है। झारखंड मजदूर यूनियन का बात को रखा है, कार्रवाई चालकों का बात को रखा है और हम लोग ने इस मामला को निश्चित है कि मजदूर हित में न्यायालय हम लोग के पक्ष में देंगे। बालीगुमा से डिमना के बीच प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य 10 दिनों के भीतर शुरू करने की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है। इस पुल के लिए 2017 को ही टेंडर पास हो गया था, मगर वहां स्थित जयपाल कॉलोनी के कुछ दबंग लोगों ने कार्य पर रोक लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने से लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। आज बालीगुमा ग्रामीणों की ओर से एक स्मार पत्र हम लोग DC और DDC को, पूर्वी सिंहभूम को दिए हैं और ये स्मार पत्र में जो दिए हैं इसे मामला ये है कि डिमना चौक के बगल में यहाँ जयपाल कॉलोनी है, जयपाल कॉलोनी से होते हुए एक वहाँ रास्ता बनेगी और रास्ता वहाँ डिमना नाला तक जो है बना हुआ है और वहाँ डिमना नाला में एक पुलिया बनने का जो है एक प्रस्तावित है। पिछले 2017 से ही जो है ये योजना बन के तैयार है और वहाँ जयपाल कॉलोनी के कुछ लोगों को विरोध नहीं हो पाया है और ये कई बार जो है विभाग की ओर से भी प्रयास किया जा चुका है। पिछले दिनों 6 जून को विभाग की ओर से वहाँ काम शुरू करने के लिए लेआउट को लेकर जो है स्थल में गए थे, कुछ लोग जो है उनको भगा दिए। कोऑपरेटिव कॉलेज में तथाकथित लैब घोटाले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग NSUI ने उठाई है। पत्रकार वार्ता के दौरान NSUI के छात्र नेता कमल अग्रवाल ने कहा कि घोटाले की बात विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्वीकारा है पर जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कतरा रहा है। NSUI ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। बहुत सारी त्रुटियां पाई थी जिसमें कि अनियमितता और भ्रष्टाचार दोनों सामने आया। जो पिछले दिनों जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में कंप्यूटर लैब घोटाला सामने आया था, कंप्यूटर लैब घोटाला में विभिन्न स्तर से
प्रेशर डलवाने के बाद कुल्हान विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई थी और जांच कमेटी ने दो बार जांच किया था और कॉलेज ने खुद एक बार स्वयं भी जांच किया था, परंतु उसके बावजूद भी अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। हमें तब लगा था कि इस पर कुल्हान विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन कार्रवाई करेगा और जाँच जल्दी होगी, परंतु जिस प्रकार से तब तीव्रता थी हम लोग उस छलाव में आ गए थे, परंतु हम लोगों ने अब जब दोबारा हम लोग कॉलेज प्रशासन के पास गए कि कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और हम लोगों ने रिपोर्ट की कॉपी सामने मांगी, क्योंकि मैं खुद उसमें मुख्य शिकायत करता हूं और हमारी संगठन लगातार उस पर लड़ रही है, तो हम लोग इस पर हम लोग जांच रिपोर्ट मांग रहे थे, परंतु उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। कदमा में साईं भजन का आयोजन किया गया जिसमें दूर दूर से आए साईं भक्तों ने भाग लिया। भजन सुना बाबा जी।